किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए पूरी बीजेपी और बीजेपी के जो चाटुकार हैं वो किस तरह से लग गए हैं। अपने भड़काऊ बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किसान आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिख डाला है। पत्र में उन्होंने किसानों द्वारा दिल्ली के रोके गए रास्तों को खुलवाने की अपील की है। उनका कहना है कि किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली के लोग बंधक बने हुए हैं। कपिल मिश्रा ने किसानों को राजनीतिक दलों का कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि इन लोगों ने दिल्ली को कई दिनों से बंधक बना रखा है। ऐसे में दूध, सब्जियां, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। अपने पत्र में कपिल मिश्रा ने शाहीनबाग आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बार बार हो रहा है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली को शाहीनबाग आंदोलन के नाम पर बंधक बनाया गया था और राजधानी में घृणा और हिंसा का माहौल भी बनाया गया। आपको बता दें कि ये वही कपिल मिश्रा है जिनका नाम दिल्ली दंगे में आया था। उन्होंने जाफराबाद में एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। कपिल मिश्रा ने कहा कि अब किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के लोग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। उनसे कार्यालय जाने, दुकान खोलने और इलाज के लिए अस्पताल जाने जैसी सामान्य स्वतंत्रता छीनी जा रही है। आगे कहा, दिल्ली के लोग बार बार बंधक बनाए जा रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ कर रोक लगानी चाहिए। कपिल मिश्रा के इस बयान के बाद फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उनको चुनौती दी जाने लगी। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अब वो सड़क पर उतरकर खुलकर धमकी क्यों नहीं दे रहे हैं, अब उन्हें पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है। अरुण अरोड़ा नाम के एक ट्विटर यूजर ने कपिल मिश्रा को चुनौती देते हुए कहा, आजा कपिल मिश्रा सिंधु बॉर्डर पे, इकट्ठे चलते हैं। कपिल मिश्रा ने जाफराबाद में सीए का विरोध कर रहे लोगों को धमकी दी थी कि अगर वो रास्ता खाली नहीं करेंगे तो वो खुद रास्ता खाली करवा देंगे। इस तरह के बयान, भड़काऊ बयान को लेकर कपिल मिश्रा लगातार इस तरह के बयान देते हैं और लोगों के निशाने पर भी आते हैं। वहीं आगे हम आपको ये भी बता दें कि किसान आंदोलन को कवर करने पहुंच रहे कुछ गोदी चैनल्स के खिलाफ किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि ये चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर किसानों के विरोध में झूठी खबरें चला रहा है। किसानों ने तीनों चैनल को तो साफ तौर पर नाम लेकर भी कहा है कि वो आंदोलन को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज़ का सहारा ले रहा है। किसानों का कहना है कि वो इन चैनलों को अपना आंदोलन कवर नहीं करने देंगे और ना ही इनको कोई किसान इन चैनलों पर अपना इंटरव्यू देगा। किसान जिन तीन चैनलों का बहिष्कार कर रहे हैं उनका नाम हम आपको बता दें, जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी और आज तक का नाम सबसे पहले है। किसानों ने इन चैनलों को मोदी मीडिया की संज्ञा दी है। इन चैनलों के रिपोर्टर जैसे ही किसान आंदोलन को कवर करने पहुंचते हैं तो उन्हें किसान के विरोध का जमकर सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जी पंजाब के रिपोर्टर वासु मानचंदा को भी किसानों के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा था। तब किसानों ने वासु मानचंदा को देखकर मोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और वो उन्हें वहां से भगा भी दिए थे। वहीं से पहले हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर आज तक के रिपोर्टर और कैमरामैन को भी किसानों ने आड़े हाथ लिया था। तब किसानों ने आज तक पर झूठी खबरें चलाने का आरोप लगाते हुए उसके रिपोर्टर और कैमरामैन को घेर लिया था, जिसके बाद रिपोर्टर और कैमरामैन को वहां से जाना पड़ गया। किसान आंदोलन से पहले मोदी मीडिया जैसा शब्द प्रचलित नहीं था। सत्ता का पक्ष करने वाले इसे गोदी मीडिया की संज्ञा दिया करते थे, लेकिन नागरिकता कानून के विरोध में हुए शाहीन बाग में आंदोलन के दौरान जब इस तरह की मीडिया का बहिष्कार किया गया तब से गो बैक मीडिया के नारे और तेजी से बुलंद हुए। आपको बता दें कि गोदी मीडिया का शब्द की इजाद वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने की थी। उन्होंने मीडिया को ये संज्ञा दिया था क्योंकि उनके मुताबिक मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय सत्ता की गोद में बैठकर अपना काम कर रही है, जिसे गोदी मीडिया कहना बेहतर है। अब किसानों ने गोदी शब्द को मोदी से बदल दिया है। किसानों के मुताबिक मीडिया जिसकी गोद में बैठी है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए उसे मोदी मीडिया कहना गलत नहीं होगा। इस तरह के तमाम नारे किसान आंदोलन में लगाए जा रहे हैं जो कि किसानों के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं और झूठी खबरें मुख्यधारा की मीडिया लोगों तक पहुंचा रही है, जिसका किसान जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गो बैक गोदी मीडिया के और मोदी मीडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन। रजत शर्मा एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रजत शर्मा इंडिया टीवी के एंकर अपने एक ट्वीट को लेकर
फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूजर्स उनके ट्वीट पर कह रहे हैं कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपना चरित्र तो देख लेते और ये सब बातें अपने आप पर लागू करके देखो। आपको बता दें कि रजत शर्मा ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था और लिखा था कि अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करो, दिए को जलाने में समय लगाओ, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाओ। रजत शर्मा का ये ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और उन्होंने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। रजत शर्मा के इस ट्वीट को किसी ने अर्णब गोस्वामी से जोड़कर समझा तो किसी ने किसान आंदोलन से, और यूजर्स ने सोशल मीडिया पर रजत शर्मा की खूब खिंचाई भी की। आपको बता दें कि रजत शर्मा के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, उपदेश कुशल बहुत तेरे, भारतीयों की आवाज बन चुके राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णब गोस्वामी जी के मामले में तो आपने ना तो न्याय हेतु बुलंद आवाज का दीपक ही जलाया और ना ही उनके तथा उनके चैनलों को नीचा दिखाने में पूरी ताकत लगाने से प्रतिवारित रहे। आपके मुख से ऐसे उपदेश शोभा नहीं देता है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, रजत शर्मा जी आपने अर्णब गोस्वामी के प्रति अपनी भड़ास निकाल के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। साफ हो गया है कि आप सिद्धांत का चोला फेंक दें। अगर वक्त आया कि सिद्धांत और अपने हितों के बीच चुनाव करना हो, 25 साल से आपकी भीनी मुस्कुराहट के दीवाने थे, अब वो कुटिल लगती है। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, रजत शर्मा जी एक तरफ पत्रकारिता करके आपने खुद को नीचे गिरा दिया, विपक्ष को तुम सब गोदी मीडिया ने मोदी मोदी करके मोदी की झूठी तारीफ करके जनता की नज़र में बदनाम किया, तुम मीडिया वाले विपक्ष की आवाज़ दबा रहे हो और देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हो। वह एक और यूजर ने लिखा, और आप तो सारा दिन कांग्रेस को बदनाम करने पर लगे रहते हो, किसानों को आतंकवादी बताते हो, मुसलमानों को पाकिस्तानी बताते हो, दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपना चरित्र तो देख लेते और ये सब बातें अपने आप पर लागू करके देखो। वहीं सोशल मीडिया पर एक और यूजर ने लिखा, तुम ज्ञान ही ना दो तो बेहतर, तुम भी देश के साथ खड़े नहीं हो, तुम 50 साल से आरएसएस की तरह देश को तोड़ने वाली बात करते हो, तुम लोगों की नजरों में पत्रकार कम आतंकवादी ज्यादा लगते हो। इसी तरह तमाम यूजर ने रजत शर्मा के ट्वीट पर अपनी जमकर प्रतिक्रियाएं दी। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि नए कृषि कानून से नाराज किसान सड़कों पर है। वो लगातार 6 दिन से अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन को कुछ मीडिया संस्थाओं द्वारा बदनाम किए जाने की पूरी कोशिश भी जारी है, जिसके खिलाफ अब किसान ने मोर्चा भी खोल दिया है। किसानों ने साफ कह दिया है कि उन्हें बदनाम करने वाले चैनलों को वो आंदोलन की कवरेज नहीं करने देंगे। किसानों द्वारा मीडिया का विरोध किए जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान हाथों में कुछ तख्तियां लिए नजर आ रहे हैं। इन तख्तियों पर जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और आज तक को गोदी मीडिया बताया गया है। साथ ही इन चैनलों को फेक मीडिया बताते हुए आंदोलन की कवरेज ना करने के लिए भी मांग कर डाली। वीडियो में किसान को ये बोलते हुए सुना जाता है कि ये तीनों चैनल उनके आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया है जो कभी सच नहीं दिखा सकते। वीडियो में किसान कहता है कि इन चैनलों ने दिखाया कि किसानों ने चक्का जाम वाले दिन पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की है, जबकि ये सरासर झूठ है। यहाँ किसानों द्वारा लंगर किए जा रहे हैं जिसमें पुलिस वाले भी खाते हैं। किसानों ने आगे ये तक कहा कि ये चैनल बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है, इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से अपील है कि वो इन तीनों चैनल को अपना इंटरव्यू ना दे, इन चैनलों का पूरी तरह से बहिष्कार करे। गोदी मीडिया का बहिष्कार करने वाले किसानों के इस वीडियो को पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, ये देखना सुनना बहुत ही दुखद है। वहीं पत्रकार अभिषेक शर्मा ने भी इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, गोदी मीडिया को भी अपना न्यूनतम गिरावट मूल्य तय करना होगा, कितना गिरोगे, कितना जलील होगे।